वेलकम टू ISCS। ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISCS ऑनलाइन। ISCS ऑनलाइन के रैपिड फायर राउंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का रैपिड फायर राउंड प्रारंभ करने से पहले कल के रैपिड फायर राउंड में पूछे गए सवाल को देख लेते हैं। दोस्तों, जो कल आपसे सवाल पूछा गया था वो सवाल है, स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किस से संबंधित थे, संगीत, चित्रकारी, नृत्य या फिर चलचित्र। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चित्रकारी। दोस्तों, चलिए हम अब पहला सवाल देखते हैं आज के रैपिड फायर राउंड का। पहला सवाल है दोस्तों, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राजस्व आय, कुल सामान का राजस्व या फिर कुल आय। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन डैश भाग होती है, 125, 25, 5 या फिर 0। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा डैश के भीतर समर्थन देना जरूरी है, 1 साल, 6 महीने, 3 माह या फिर 1 माह। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1 माह। दोस्तों, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करने के बाद 1 महीने के अंदर संसद में 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करना होता है, तभी राष्ट्रपति आपातकाल आगे कंटिन्यू होता है। और अगर एक बार 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो फिर 6 महीने बाद फिर इसे एक बार संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, पर्ल, फोर्ट्रॉन, विजुअल बेसिक या फिर कोई नहीं। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट्रॉन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर यकृत। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, त्वचा यानी कि स्किन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। अमीबा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है, प्रोटोजोआ, एनिलिडा, पोरिफेरा या प्लेटिहेलमिंथस। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्न में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है, शैवाल, लाइकेन, ब्रायोफाइटा या फिर प्रोटोजोआ। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन्स। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। हॉलीवुड डैश में स्थित है, न्यू जर्सी, फ्लोरिडा, लंदन या फिर कैलिफोर्निया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैलिफोर्निया, यानी हॉलीवुड कैलिफोर्निया में स्थित है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था, राणा सांगा, मोहम्मद बिन तुगलक, हेमू या फिर इब्राहिम लोदी। दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों, वर्ष 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है, 6 माह,
एक वर्ष, दो वर्ष या फिर तीन वर्ष? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 6 माह। दोस्तों आपातकाल घोषित करने के बाद 6 माह में, यानी कि प्रत्येक 6 माह में संसद का अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। मिलियन म्यूटिनी इज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? अरबिंदो घोष, केपीएस गिल, नीरज चौधरी या फिर वीएस नायपॉल? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वीएस नायपॉल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। सिस्मोमीटर का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था? अलेक्जेंडर पाकेस, लुईगी पल्मेरी, अलेक्जी पेजिटनो, रैंसम एलो ओल्ड्स। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लुईगी पल्मेरी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। किस वायरस के कारण चेचक होती है? रूबेला वायरस, हार्पिस जोस्टर वायरस, रैबीज या फिर वेरियोला वायरस? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हार्पिस जोस्टर वायरस। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्माग्राही अभिक्रिया है? श्वसन, ज्वलन, पसीना निकलना या फिर प्राकृतिक गैसों का जलना? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पसीना निकलना। कैसी अभिक्रिया है? एक उष्माग्राही अभिक्रिया है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। बीबी का मकबरा डैश द्वारा बनाया गया था? हुमायूं, आजम शाह, बाबर या फिर औरंगजेब? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आजम शाह। दोस्तों बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इसका निर्माण औरंगजेब के सहजादे आजम शाह ने अपनी माता तथा औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? असम, कर्नाटक, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। विदेशी संदर्भ मुद्रा के संबंध में मुद्रा के मूल्य के घटाव को डैश कहा जाता है? अवमूल्यन, पुनर्मूल्यांकन, कम मूल्यांकन या फिर ऋणात्मक मूल्यांकन? तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अवमूल्यन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है 21 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून या फिर 21 अप्रैल? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल या फिर उत्तर प्रदेश? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में भारत का सबसे ज्यादा वन है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, एन इंडियन डेस्टिनी किसकी जीवनी है? मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, शशि थरूर या फिर इंदिरा गांधी? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोनिया गांधी। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, एन इंडियन डेस्टिनी सोनिया गांधी की जीवनी है, बायोग्राफी है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक डैश मंदिर है? शिव, जैन, कृष्ण या फिर राम? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जैन मंदिर है। राजस्थान के अरावली पर्वत की घाटियों के मध्य स्थित रणकपुर में ऋषभ देव का चतुर्मुखी जैन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। जल्लीकट्टू डैश के साथ जुड़ा हुआ है? त्रिचूर, कार्तिकाय, ओणम या फिर पोंगल? दोस्तों
दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पोंगल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या फिर महाराष्ट्र? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज रैपिड फायर राउंड। संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है? क्षेत्रफल, दबाव, बल या फिर वेग? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बल, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर बल कहलाता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। दोस्तों इसी सवाल के साथ आज का रैपिड फायर राउंड समाप्त होता है। दोस्तों आज का रैपिड फायर राउंड समाप्त करने से पहले हम लोग एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आपके लिए सवाल है, अ सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, अरुण सौरी, अमृता प्रीतम या फिर महाश्वेता देवी? दोस्तों आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और यदि आप इसे संबंधित कुछ और भी जानकारी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इसे अवश्य शेयर करें, यह सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। और हमारा प्रयास है कि दोस्तों जब भी हम रैपिड फायर राउंड लेके आए तो इसमें सवालों का जो कलेक्शन हो वो आने वाले एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के किया जाए। दोस्तों आज का रैपिड फायर राउंड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा रैपिड फायर राउंड अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। दोस्तों रैपिड फायर राउंड के अलावा भी हमारे बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जैसे मैथमेटिक्स के हों, रीजनिंग के हों, या फिर जनरल स्टडीज के हों, या फिर जनरल साइंस के हों, इंग्लिश के हों, वोकैबुलरी के हों। दोस्तों हमारा प्रयास है कि हम आपको एंड टू एंड सोल्यूशन दें, आपको सारा इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिल सके। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।